नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट BS6 को इंडिया में लॉन्च किया था 2020 की स्टार्टिंग में। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जानी जाती है। अगर आप बात करते हैं इसके सेल्स फिगर्स की या फिर अगर आप ओनरशिप रिस्पॉन्स अगर इसका देखें तो अब तक इतना ज़्यादा बेहतरीन ओनरशिप रिस्पॉन्स किसी भी गाड़ी का नहीं दिखा है। इसमें आपको सब कुछ बैलेंस मिल जाता है, चाहे बात कर लीजिए माइलेज, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच की आपको मिलती है, फीचर पैकेज ये गाड़ी सबसे ज़्यादा ऑफर करती है अपने सेगमेंट के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं नई नेक्सॉन के बारे में, जो अभी आपके सामने है। बिल्कुल एक बोल्ड डिज़ाइन के साथ आती है गाड़ी। अगर आप इसके लुक्स की बात करें तो आपको उसमें लैंड रोवर का DNA देखने को मिलेगा, जो कि अपने में ही काफ़ी बड़ी बात है। फ्रंट का लुक अगर आप इसका देखें तो आपको कहीं ना कहीं इसमें डिस्कवरी स्पोर्ट का लुक देखने को मिलता है। ये गाड़ी को प्लेस किया गया है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जिससे कि इसकी लेंथ है 3993 mm की, यानी कि अंडर 4 मीटर की गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी का अगर आप रोड प्रेजेंस देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतरीन है। रियर से आपको बिल्कुल कूपे लुक इसमें मिलता है और इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो है 1811 mm की, जो कि क्रेटा और सेल्टॉस से भी ज़्यादा है। फ्रंट में आपको काफ़ी बेहतरीन हेडलैम्प्स दिए गए, जो कि बिल्कुल एक प्रोजेक्टर सेटअप है। बेस वेरिएंट से आपको इसमें पूरा प्रोजेक्टर सेटअप कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी शार्प DRLs का सेटअप दिया गया है, एक लैम्प सेटअप यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे ये इसके कुछ फॉग लैम्प का पूरा डिज़ाइन है। इस गाड़ी को जो इसका प्रीवियस वर्जन है उसको अलग बनाता है इसका पहले फ्रंट का लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। एक काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रिल मिलती है, जो कि बेस वेरिएंट से ही आपको देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप इसका XE वेरिएंट भी लेते हैं तो यही सारा फीचर पैकेज, यही फ्रंटल लुक वो आपको ऑफर करेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल टोन बम्पर ऑफर कर रही है कंपनी, उसी के साथ ट्रायो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि टाटा की एक डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो कि इसको काफ़ी प्यारा लुक देती है। यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटी क्रोम ग्रिल कंपनी की तरफ से ऑफर करी गई है। और टाटा के फैन फॉलोअर्स ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, गाड़ी का डिज़ाइन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ओवरऑल गाड़ी की रिलायबिलिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। 16 इंचेस की आपको उसमें प्रीमियम डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर कर रही है टाटा। 215 सेक्शन का आपको उसमें टायर मिलता है, 60 का सेक्शन इसका है, रेडियल 16 का आपको कंपनी इसमें टायर ऑफर कर रही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया गया है ये किया गया है 209 mm का, जो कि सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये है गाड़ी का साइड का प्रोफाइल, जो कि इसको बहुत यूनिक लुक देता है। अगर आप रियल लुक देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एलिमेंट इसका लगता है। इसकी जो प्रीवियस वर्जन था, यानी कि जो प्री फेसलिफ्ट जिसे आप कहेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मिलता था। यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन टेल लैम्प्स देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये है इस गाड़ी के रियर का लुक, पूरा कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, काफ़ी एरोडायनेमिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको नेक्सॉन का एम्बलम मिलता है। बूट स्पेस की अगर आप बात करें तो 350 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। बूट में तो आपको एक पार्सल ट्रे यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि एज एन एसेसरी आप बेस वेरिएंट में भी लगवा सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील ऑफर करा गया है, जो कि 195/60 रेडियल 16 का टायर ऑफर करा गया है कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर आप इसका लोडिंग लिप देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर क्लैडिंग कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको देखिए डैम्पनिंग देखने को मिलती है, ये कुछ आपको डिफॉगर्स देखने को मिलता है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ दिए गए। और इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि बिल्कुल टॉप नॉच है सेगमेंट में। नीचे से अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी भी काफ़ी नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है, डुअल टोन बम्पर कंपनी ऑफर कर रही है। और जो टायर की प्रोफाइल है, ब्रिजस्टोन का टायर इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, 215/60 का आपको इसमें टायर मिलता है, रेडियल 16 का टायर है। रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, 4 लग नट्स मिलते हैं, 5 होते तो और ज़्यादा बोल्ड लुक हो सकता था, लेकिन वो डिज़ाइन की चीज़ है। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैडिंग देखने को मिलती है व्हील वेल में। यहाँ पर आपको कुछ एरोडायनेमिक एलिमेंट्स दिए गए, जो कि विंड नॉइज है उसको कम करता है व्हीकल के आउटसाइड में, टर्बुलेंस को डिक्रीज करता है गाड़ी के बाहर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हम इसके साइड के प्रोफाइल को थोड़ा और कुछ नीटली देख रहे हैं। अब मैं आपको ये कुछ इसके ओवियम्स दिखाता हूँ, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। ये इसका ए पिलर आप देख सकते हैं, एक रैपिंग में इसे कहूँगा, क्लैडिंग नहीं है, रैप किया गया है। और इस गाड़ी को NCAP में 5-स्टार की रेटिंग मिली हुई है महिंद्रा XUV300 OB, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक बेहतर स्कोर के साथ आई है NCAP में। लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ है।
अभी नेक्सॉन की बात हमने कर ली, वहीं अगर आप बात करते वेन्यू की तो वेन्यू को इंडिया के लिए अभी टेस्ट नहीं किया गया है। वहीं अगर आप बात करेंगे ब्रेजा की, ब्रेजा को पहले 4 स्टार की एनकैप रेटिंग मिल चुकी है। एकोस्पोर्ट को भी हाल फिलहाल में टेस्ट नहीं किया गया है। तो आप मुझे बताइए नेक्सॉन के एक्सटीरियर लुक में आपको क्या ज़्यादा बेहतरीन लगा? मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बढ़िया लग रही है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आपको टॉप मॉडल्स में सनरूफ देखने को मिल, हर वेरिएंट की मैं आपसे ऑन रोड प्राइस भी शेयर करने वाला हूँ। ये इसका आप कुछ रूफ रेल देख रहे हैं, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है पियानो टिप के साथ, एक रिक्वेस्ट बटन आपको मिलता है जिससे कि आप इसको लॉक कर सकते हैं, और वहीं यहाँ से देखेंगे तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसकी की बात करूँ तो ये कुछ आपको इसमें की फॉब देखने को मिलता है टाटा मोटर्स की तरफ से, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, दो दिए गए, ये अभी डिसअसेंबल किया गया है, ये इसके अंदर चले जाएगा यहाँ से और ये काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर आपको डार्कर शेड ऑफ सिल्वर में दिया गया कुछ ऐसी क्लैडिंग्स जो कि और थोड़ा और बढ़िया लुक इसको दे पा रही है। साइड बॉडी में भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इसमें क्लैडिंग दी गई है, अंडर बॉडी भी, यहाँ पर भी अगर आप साइड स्कर्ट देखेंगे यहाँ भी प्रॉपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है। इसको मैं आपके लिए अनलॉक कर देता हूँ। तो ये आ गए हम न्यू नेक्सॉन के अंदर, मैं इसमें की फॉब को यहाँ प्लेस करता हूँ। तो जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा एक आप मार्केट लगेगा आपको, अगर आप इसे कंपेयर कर लेते हैं ब्रेजा से तो ये अब बिल्कुल एक डिस्टिंग्विश अहेड आपको इसमें लगने वाला है। क्योंकि अगर आप नेक्सॉन का ब्रोशर भी देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो नेक्सॉन इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग। तो ये कुछ है इसका इंटीरियर्स। ट्राइटोन आपको इसमें दी गई है, यानी कि 3 शेड्स आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर आप देखेंगे कुछ टेक्सचर्ड मटेरियल है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पियानो शेड है, थोड़ी प्रीमियम शेड है, और नीचे आपको एक थोड़ा फाइनर शेड में बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये है इसके पूरे डैशबोर्ड का व्यू, अभी हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके डोर की ओर। तो डोर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ एक अच्छा टेक्सचर है, बिल्कुल टॉप नॉच है। पहली बात ये मैं आपको ज़रूर कॉशियस करूँगा इसके बारे में। यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगा आपसे। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है पूरी, और नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलेगा। ये इसका एग्जेट प्लस वेरिएंट है जिसमें आपको हार्मन का 8 स्पीकर का यूनिट देखने को मिलता है। ये इसका आप फुटवेल देख रहे हैं पूरा। यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले जो आप देखेंगे वो आप इसका कमांडिंग व्यू देखेंगे। इस गाड़ी में जो आपको व्यू मिलता है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। देखेंगे तो आपको बोनट का हर एक कोना काफ़ी इजीली विजिबल हो रहा होगा, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी, आप काफ़ी कमांडिंग तरीके से इसमें चला सकते हैं। सीटिंग पोजीशन भी इसका काफ़ी हाई है। ऐसा कुछ इसका पूरा स्टीयरिंग मिलता है जो कि यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पूरी दी गई है। ये इसके हॉर्न अगर आप सुनेंगे तो ये कुछ इसका हॉर्न है। या इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल और ये सब कुछ इसके टॉप वेरियंट में देखने को मिलेगा। लाइट के स्विचेस आपको कन्वेंशनल मिलते हैं, यहाँ पर आपको वाइपर के स्विचेस दिए गए लेफ्ट साइड में। ये जो आपको डिस्प्ले मिल रही है ये भी इसका काफ़ी बढ़िया अट्रैक्शन है। यहाँ देखेंगे तो आपको सारे फोन्स क्लियरली विजिबल होंगे। आपको एक बार इंजन स्टॉप करता हूँ और दोबारा से ये देखिए स्टार्ट हो गया। और एसी की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे इसकी अच्छी लगी, ब्लास्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ देखेंगे तो आपको पूरा ग्लोव बॉक्स का एरिया देखने को मिलेगा जिसमें लाइटिंग और कूलिंग का फंक्शन भी कंपनी ऑफर कर रही है। का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, फ्लोटिंग डिस्प्ले टाइप है ये, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ये सारे बेसिक फीचर्स कंपनी ऑफर कर देती है। वहीं अगर आप देखेंगे सेंटर कंसोल की ओर तो ये इसका कुछ मास्टर कंसोल कहती है कंपनी इसको, जो कि ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपको सारे एसी के सारे क्रोम टिप और ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पर दिया गया है। हार्मन का पूरा ऑडियो सिस्टम मिलेगा 8 स्पीकर जो कि टियागो में भी बेस्ट इन सेगमेंट है, तो इसकी तो बात ही अलग है। ये इसका कुछ आयावियम मिलता है जो कि आपको कुछ ऐसा व्यू इसमें पीछे ऑफर करता है। तो ये हूँ मैं, मैंने नया कैमरा लिया, ज़रूर बताना क्वालिटी कैसी है। ये इसका कुछ सनग्लास होल्डर दिया गया वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, आप यहाँ पर वॉइस कमांड्स के लिए ले सकते हैं। इस साइड इसका वैनिटी मिरर मिसिंग है। और क्वालिटी की बात करेंगे बहुत बढ़िया टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया, और बिल्कुल गाड़ी अभी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी है, बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें फ्लैक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ए पिलर की बात करेंगे तो 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, तो ए पिलर भी कंपनी ने बहुत सॉलिड बनाया है। उससे थोड़ा सा आपको ब्लाइंड स्पॉट आएगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कहने वाली बात है। यहाँ से देखिए बहुत इजीली आप क्लियरेंस इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आप ही से मुझे सुनने को मिला है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए आपका कैसा रिस्पॉन्स है इसके बारे में। और स्टीयरिंग जो आपको इसमें देखने को मिलेगा ये टिल्ट फंक्शन के साथ मिलता है। यहाँ पर हेडरूम देख सकते हैं, यहाँ से पूरा शोल्डर रूम है, विजिबल ईजिली हो रही होगी गाड़ी। और लेग रूम की अगर आप बात करें तो ये कुछ आप इसका लेग रूम देख सकते हैं, नीचे फुटवेल एरिया सब कुछ देख सकते हैं। एक नज़र हम इसके इंजन की ओर डाल लेते हैं।
और फिर मैं आपको इसके पीछे दिखा दूंगा, और प्राइस लिस्ट भी मेरे पास ही है तो वो भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये इसका रेवट्रॉन सीरीज, और लाइटिंग की अगर बात करें तो ये इसके DRL से भी चल रहे हैं, जो कि ऐसे कुछ देखने को मिलता है। DRLs देख सकते हैं आप, हाँ यहाँ पे देखेंगे बॉनेट ऐसा कुछ इसमें मिलता है। देखिए प्रॉपर आपको इंसुलेशन दिया गया है, और अगर आप बात करेंगे क्रम्पल जोन्स की तो क्रम्पल जोन्स को भी काफ़ी नीटली प्लेस किया गया है, ये इसका एयर फिल्टर का प्लेसमेंट किया गया है, आगे टर्बो चार्जर आपको दिया गया है, 120 PS की पावर है, और ये जो सब कुछ है यहाँ ABS यूनिट को यहाँ प्लेस किया गया है। तो ऐसा कुछ है, इसका पूरा इंजन डिपार्टमेंट काफ़ी नीटली प्लेस किया गया है, और यही इंजन आपको काफ़ी जल्द एल्ट्रॉस में देखने को भी मिलेगा। तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा इसका, सबसे पहले आप इसकी लेंथ देखेंगे तो 3993 mm है, 1811 mm इसकी चौड़ाई है, 1606 mm इसकी ऊंचाई है, व्हील बेस 2498, और जो इसकी चौड़ाई है ये आपको क्रेटा से भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बूट स्पेस 350 L, 5.1 m इसकी टर्निंग रेडियस है। ये है इसकी प्राइस लिस्ट, पूरी अप्रैल की है। नेक्सन XE अगर आप देखेंगे तो 7,03,500 एक शोरूम है, ऑन रोड अगर आप देखेंगे तो ये 843 है, लेकिन अगर आप ये किट और ये सब कुछ ना ले तो आपको काफ़ी अच्छी डील इसमें लग सकती है, 8.5 lakh में भी आपको इसका, 8.5 से भी कम 8.25 में ही आपको इसका बेस वेरिएंट ऑफर किया जा सकता है। ये सब पेट्रोल की प्राइस है। अभी हम है इसके XZ प्लस स्टैंडर्ड वेरिएंट की ओर, जो कि 9,58,500 रुपये का है, 9.813, और अगर आप इसके ऑन रोड की बात करें तो 11.30 इसमें दिखा रहा है, लेकिन ये अगर आप ये सारी चीज़ें इसमें नहीं ले तो आपको 11 के आसपास भी आ जाएगा। काफ़ी बजट फ्रेंडली गाड़ी भी है, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो भी आपके लिए काफ़ी जल्द आएगी, और अगर आप इसमें डीजल भी लेते हैं तो डीजल भी आपके लिए इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। दोस्तों एक बार और चलते हैं न्यू नेक्सन फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स में, मैं आपको दिखाता हूं इसके रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी कैसी है। ये आपने इसका डिजिटल क्लस्टर पहले भी देख लिया था, 6th गियर लगाने के लिए आपको पहले की तरह ही वही ऑपरेशन करना होगा। ये है इसकी 7 inches की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें अच्छा खासा आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी फाइन है इसकी क्वालिटी, और इसमें आपको डायनेमिक गाइडलाइंस मिलती है। स्टीयरिंग का अगर आप रिस्पॉन्स देखा था तो काफ़ी लाइट लगा मुझे, सही है सिटी के हिसाब से। ये है इसके ड्राइव मोड्स का कंट्रोल, आपको इसमें इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है। ये कैसे परफॉर्म करता है, कितना ये चेंज करता है आपके पूरे एक्सपीरियंस को, इसका मैं आपके लिए एक टेस्ट ड्राइव वीडियो लेके आऊँगा। बाकी ये है इसका 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर मिलेंगे, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और भी कई सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रोज की ओर। यहाँ अगर आप देखेंगे काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है, फ्रंट की रही आपको फैब्रिक का यूज़ भी देखने को मिल रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है, डोर नॉब जो आपको दिया गया है ये क्रोम में दिया गया है, जो कि थोड़ा प्रीमियम अच्छा लगता है इसके साथ, और नीचे आपको थोड़ा स्पेस, और इसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं JBL के, जिनको हार्मन ने ट्यून किया है। अगर आप यहाँ सीट्स देखेंगे तो फैब्रिक आपको पूरी सीट्स दी गई है, एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड्स है, नीचे आपको AC वेंट मिलता है। ये है फ्रंट के डैशबोर्ड का एरिया, काफ़ी फाइन क्वालिटी का यूज़ किया गया, तो काफ़ी अच्छी इसमें इमेज आ रही है मैं देख पा रहा हूँ, और फ्रंट का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है आपको। टाटा की ज़्यादातर कार्स में आपको ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा, बात कर लीजिए एल्ट्रॉस, हैरियर या फिर टियागो, बेसिक जो डिज़ाइन है वही है। सेंटर में आपको थोड़ा सा इसमें हम मिलता है, जो कि उतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा। टॉप मॉडल्स में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट देते हैं, ये आर्मरेस्ट मिलती है, जिसके नीचे आपको कुछ इतना स्पेस आपको दिया गया है, और ये आप मेरा हेडरूम देख रहे हैं, इसका कुछ काफ़ी स्पेशल लगी मुझे गाड़ी, इसकी टेस्ट ड्राइव की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी जल्द आने वाली है। और अब हम चलते हैं इसके बाहर। अगर आप रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर कहीं से भी देख रहे हैं तो शोरूम में धीरज सर आपको मिल जाएंगे, काफ़ी स्टाफ आपको मिलेगा, बाकी सर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे सिर्फ रुद्रपुर वालों के लिए, सर बता दीजिए। और 7983925445, ठीक है। तो ये कुछ है, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा टियागो, एल्ट्रॉस भी आने वाली है अभी, इनका हैरियर भी आने वाला नया स्टॉक, सब कुछ कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।